आइए सीधे राजस्थान चलते हैं, जहां पर अहिश जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। नई पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। अभी 14 अगस्त को बहुत तेज बारिश आई, मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय के बाद ऐसी बारिश जयपुर में आई। पानी बरसा, लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन 3 घंटे के आसपास, 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर अंदर जयपुर की सड़कें जो भरी हुई थी पानी से, वो सड़कें उन पर से पानी बह के नालों में चला गया। ये हम लोगों की कोशिश करने की जरूरत है। हम लगातार ये ध्यान दे रहे हैं कि जयपुर में खुले नाले नहीं रहें। मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये मांग रखी है कि खुले नाले नहीं हों, नहीं तो हम कितना स्मार्ट सिटी बना रहे हैं अगर नाले खुले हुए हैं। अगर गंदगी है तो स्मार्ट सिटी बेमानी। मुख्यमंत्री जी ने इस तरफ ध्यान दिया है, और जो स्मार्ट सिटी के तहत कराए जाने वाले काम हैं, मैं मेरे हवा महल विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, ताल कटोरा के विकास की बात है, गणगौरी अस्पताल को इसको 600 बेड करने की बात है, हम विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में इंक्लूडिंग हवा महल हम कॉलेज लेके आए हैं, स्कूल हम नए खोलेंगे, सड़कें नई बनवाएंगे, जयपुर के विकास को 4 चांद लगाएंगे, जयपुर ऐसा करेंगे कि आने वाला आदमी तो खुश होगा ही होगा। अगर लंबे समय से कोई जयपुर नहीं आया होगा तो वो भी देख के कहेगा कि वाह जयपुर, ये हमारी सोच है। सर, सरकार जो है तैयार नहीं थी चुनाव करवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए, तो क्या बिना तैयारी के कांग्रेस आश्वस्त है दोनों निगमों को लेकर? और दूसरा ये कि आपने जन घोषणा पत्र हर वार्ड का अलग से बनाने का वादा किया, इस बार वादा पत्र इसका नाम को लेकर क्या तैयारी? संगठन स्तर पर तैयारी हो रही है। जहाँ तक आपने तैयार रहने और तैयार नहीं रहने की बात की, जब हम कोर्ट में गए थे, सरकार ने ये सोच के कि लोग कोरोना से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, माननीय अदालतें भी ऑनलाइन सुनवाई कर रही हैं, माननीय न्यायाधीश भी अदालत आने के बजाय घर से ही ऑनलाइन सारे सुनवाई कर रहे हैं, फैसले दे रहे हैं, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न जो विभाग हैं वो ऑनलाइन काम को बढ़ावा दे रहे हैं, VC के माध्यम से कामों के उद्घाटन हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने ये सोचा कि अगर 2-3 महीने चुनाव और टल जाए तो कोरोना का जो प्रकोप है थोड़ा कम हो जाएगा और चुनाव कराने में किसी तरीके का खतरा नहीं रहेगा। सरकार ने लीडर ऑफ अपोजिशन से बात की, वो भी सहमत थे सरकार की बात से कि हाँ अगर चुनाव सरक जाए तो इसके अंदर कोई गलत बात नहीं, इसलिए सरकार कोर्ट में गई। लेकिन आप जानते हैं लोकतंत्र में माननीय अदालतों का आदेश अंतिम होता है, उस आदेश की पालना करनी होती है। सरकार ने उस आदेश की पालना की, तैयारी का समय जितना हमारे पास था उतना ही दूसरों के पास भी था, इसलिए कोई तैयारियों के मामले में घबराने की बात नहीं है। आज ये देख लीजिए, ज़्यादा संख्या में जो उम्मीदवारी वो कांग्रेस के टिकट के लिए दिखाई गई, और लेकिन हम लोगों ने बहुत समझदारी के साथ टिकट दिए। असंतोष हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले टिकट वितरण में कम है, कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं है, और जहाँ है वो छोटा मोटा इक्का दुक्का कोई जो असंतोष है उसको हम ठीक कर लेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाएंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। बीजेपी ने 17 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है, ऐसे में कांग्रेस की कहीं ना कहीं रणनीति है, समीकरण वो बिगड़ सकते हैं? कांग्रेस जो कहती है वो करती है, कांग्रेस की सोच में कथनी में करने में कोई अंतर नहीं, इसलिए कांग्रेस इस बात की परवाह नहीं करती कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको कितना टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपने नीतियों के हिसाब से टिकट दिए हैं, कांग्रेस को जिनको जिस सोच के साथ कांग्रेस टिकट देती आई है उसी सोच के साथ टिकट दिए गए हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि जयपुर की जनता, कोटा की जनता और राजस्थान की जनता ये सब कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देंगे और कांग्रेस को जितवाएंगे। लेकिन सर बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है, एक तरीके से वो पहले कभी अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं देते थे, उसकी बात दे रहे हैं। बीजेपी स्थिर पार्टी है ही नहीं, बीजेपी अस्थिर पार्टी है। बीजेपी मुद्दों को भुनाने वाले की कोशिश करने वाली पार्टी है, इंतजार में रहते हैं, जैसे राजधानी में जो टूरिस्ट स्टेट में हमें
काम करने वाले लोगों के बारे में शब्द जो उपयोग लाया जाता है उस शब्द को उपयोग में लाऊंगा तो हल्का लगेगा। आप सब जानते हो क्या शब्द है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ऐसे लपकने में रहती है, कोई मुद्दा मिल जाए, नहीं मुद्दा मिले तो मुद्दा बना दो और उसे एक हवा खड़ा कर दो। अच्छा, कतई चिंता की बात नहीं हमारी। आपकी पार्टी में लास्ट टाइम भी कुछ टिकट बदले गए, सांगानेर में तीन टिकट बदले गए, पहले सिंपल किसी को लौट किया गया, क्या वजह रही असंतोष के बाद 12 बजे बाद टिकट बदले गए थे? देखिए सभी पार्टियों में कुछ कुछ ऐसा हो जाता है, आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा कांग्रेस में हुआ। आप पता करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बीजेपी में भी, लेकिन कांग्रेस में बहुत कम संख्या में टिकट बदले गए हैं। मैं इस बात का पक्ष करूं कि टिकट एक बार देने के बाद में नहीं बदले जाने चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर टिकट बदलना मजबूरी हो जाती है पार्टी। मैं हवा महल के बारे में कह सकता हूं, हमने एक बार घोषणा करने के बाद में किसी टिकट में कोई बदलाव नहीं किया। सूची हमने आपको मुहैया कराई है और आपको मुहैया करा देंगे, और हम विश्वास करके चलते हैं कि हम जयपुर में दोनों नगर निगमों में कांग्रेस का बहुमत लेकर आएंगे, कांग्रेस का वोट बनाएंगे। सब ये टिकट घोषित करने में जितनी देरी हुई और बिल्कुल नॉमिनेशन दाखिल करने से 2-3 घंटे पहले सूचियां मीडिया को दी गई और अभी तक 2-3 सीट तो ऐसी है जहाँ की आई भी नहीं, रात में फोन करके कैंडिडेट को दिया गया, ये स्ट्रेटेजिक एक आपकी कदम था या झगड़े थे जिसकी वजह से इतना? स्ट्रेटेजिक कदम था कि सूची नॉमिनेशन फाइल करने के बाद और फिर सूची घोषित की जाए, जिससे कार्यकर्ता जो है, जिसका कई बार होता है नॉमिनेशन फाइल नहीं हो पाता, टिकट देने के बावजूद भी नॉमिनेशन फाइल नहीं हो पाता, तो हम कहीं ना कहीं कोई गैप रह जाता है। हमारे मन में ये था कि जिसका नॉमिनेशन फाइल हो जाए, जो टिकट ले जाए, टिकट ले जाके कोर्ट में वहाँ पे जमा करा दे आरओ ऑफिस में, उसके बाद हम सूची जारी करें, इसी स्ट्रेटजी के तहत हमने सूची जारी की। पंचलाइन आप दे ही देते हो, कोई नहीं कोई पॉलिटिकल लपका आज का शब्द राजनीतिक लपका ये 2-3 विधानसभा की आई नहीं हमारे पास, आ जाएगी किसान को। अरे आप तो सक्षम हो, सरकार से आ जाएगी यार, आपके एमएलए की हमने पहले बता दी साहब, ये लो एमएलए की बता दी है। आप तो कमाल के आदमी रहे इस मामले में यार, ऐसा लग रहा था आप ही से पूछ के सब कुछ हो रहा है। हमने कहा वही हुआ, देख लो, हम भी आपसे पूछते थे क्या हो रहा है। देख लो एमएलए में नहीं रहा रे, इनमें 500 एक अपील पता नहीं, अगर आप करना चाहो तो मैं ये मास्क वाली अपील सबसे करना चाहता हूँ, डिस्टेंसिंग के मास्क की, सारे उम्मीदवारों से, सारे पॉलिटिकल पार्टी से रिकॉर्ड भी कर लो भाई। आज कोरोना का प्रकोप जिस रूप में है, भले कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है, लेकिन कोरोना बीमारी से, कोविड से मरने वाले, जो जान देने वाले लोग हैं, उनकी संख्या में अभी तक कमी नहीं आई, उसी संख्या में, उसी प्रतिशत जाने जा रहे हैं। अभी स्थिति हम संतोषजनक नहीं कह सकते, ऐसे में मैं सभी राजनीतिक दलों के और निर्दलीय जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपके चुनाव प्रचार के कारण से किसी आम आदमी के मन में ये भय नहीं होना चाहिए कि कोरोना फैल जाएगा, कोरोना लग जाएगा। हम चुनाव प्रचार इस तरीके से करें, आवश्यक रूप से मास्क लगाएं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार हों, किसी निर्दलीय उम्मीदवार के हम समर्थक हों, कार्यकर्ता हों, और चाहे कोई निर्दलीय उम्मीदवार, सबसे विनती करता हूँ, सबसे आग्रह, सबसे अपील है, मास्क लगाएं, समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, जहाँ मौका मिले, जब मिले, साबुन से हाथ धोते रहें, और जो डिस्टेंसिंग जितना हो सकता उस डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने की कोशिश करें, जिससे आप और हम भी कोरोना से बचें, और आप और हमसे जिनको कोरोना
फैलने की संभावना हो सके, वो संभावना भी खत्म हो सके, लोगों को हम कोरोना से बचा सकें, ये आपकी और हमारी और सारे राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी एक कोशिश होनी चाहिए कि चुनाव के साथ साथ हम कोरोना के वाहक ना बन जाएं। इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। मैं सबसे विनती करना चाहता हूं, कोरोना के मामले में चिंता करें और सचेत रहें। मैडम, एक सवाल था, अमित शाह जी ने कहा कि हम एमएसपी और मंडी व्यवस्था इसको खत्म करने नहीं जा रहे, कांग्रेस इसको लेकर के माहौल बना रही है, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं हो रही ना एमएसपी खत्म हो रही। भाई अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी वो नए नए बातें करने में बहुत माहिर है। जो बिल वो लेके आए हैं, उस बिल के लागू होने के बाद उनको मंडियों को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उस बिल से मंडियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए उनका कहना गलत है। हमारी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को ये जो कृषि विधेयक लेकर जो कृषि बिल इन्होंने पास कराए हैं उनको वापस लेना चाहिए। एक उन्होंने कहा कि जो हमारा एजेंडा केवल राम जन्मभूमि था, अब जो काशी और मथुरा की बात बाकी हिंदू संगठन कर रहे हैं वो बीजेपी का एजेंडा नहीं है। बिहार चुनाव से पहले इस स्टेटमेंट को आप किस रूप में देखते हैं? अभी तो जो कुछ केंद्र सरकार कर रही है बिहार चुनाव के मद्देनजर जारी कर रही है, वो उनका एक ही उनका एक ही उद्देश्य है, समय पे कुछ भी करना पड़े। एक कहावत है कि समय पे गधा भी पहलवान हो जाता है, या ये कहें कि समय पर किसी को भी माई बाप कहना पड़ता है। तो वो जो मुद्दे जो बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं, कल उनका क्या रूप होगा? मुख्य प्रधानमंत्री जी के बारे में आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या घोषणाएं नहीं करी, चाहे नोटबंदी की बात हो, GST की बात हो, चाहे ये लॉकडाउन की बात हो, सारे के सारे घोषणाएं उनकी झूठी सिद्ध हुई। उनको अभी ये लग रहा है कि बिहार में चुनाव है, कैसे हम वहाँ के जो वो मतदाता जो इन सारे मुद्दों के कारण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, उनके सामने कैसे एक गोड़ी गोड़ी से पिक्चर एक उनको सब्ज बाग दिखा सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कल भारतीय जनता पार्टी क्या कह दे इसका कोई भरोसा नहीं। मुख्य सचेतक को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जब चुनाव प्रचार किया जाए तो सभी राजनेता जितने भी राजनीतिक के दल के जितने भी नेता है वो चुनाव प्रचार में गाइडलाइंस का बेहतर तरीके से पालन करें, मास्क का उपयोग करें। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी साफ तौर पर निशाना साधा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।